बांग्लादेश में एक नए आतंकी संगठन ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। इस आतंकी संगठन का मुखिया शरीफ उल इस्लाम खालिद अंसार राजशाही बताया जा रहा है, जिसने बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं और धर्मनिरपेक्ष लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए एक लिस्ट तैयार की है। बांग्लादेश पुलिस के मुताबिक इस नए आतंकी संगठन का संबंध खुकार आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन यानी कि JMB से बताया जा रहा है। इस आतंकी संगठन को अंसार राजशाही के नाम से जाना जाता है। पुलिस के मुताबिक इस आतंकी संगठन के सदस्य आपस में बात करने के लिए एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं और इस एप्लीकेशन के जरिए ही फंड भी जुटाया जाता है, जिसका इस्तेमाल ये आतंकी संगठन हत्याओं और आतंकी हमलों में करता है। बांग्लादेश में अपनी मौजूदगी दर्ज करने के लिए ये नया आतंकी संगठन सिर्फ हिंदुओं को अपना निशाना बना रहा है। इस आतंकी संगठन का नेता शरीफ उल इस्लाम खालिद राजशाही विश्वविद्यालय का छात्र है, जो अपने प्रोफेसर रिजा उल करीम की हत्या में शामिल बताया जा रहा है। बांग्लादेश में पिछले एक साल के दौरान बड़ी बेरहमी से 7 हिंदू पुजारियों की हत्या कर दी गई और इन हत्याओं के पीछे जमात उल मुजाहिदीन का हाथ बताया जा रहा है। बांग्लादेश की पुलिस ने पिछले दिनों शरीफ उल इस्लाम खालिद के 2 चचेरे भाइयों को गिरफ्तार किया था, जिनका नाम अमीन उल इस्लाम रूमी और इनाम उल हक सबूज है, लेकिन इस आतंकी संगठन का सरगना अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज़।